पढ़ाने वाले गणेश जी, तो यहाँ कम गणपति है नमा आप बोल रहे हैं, एक बार हमारे साथ आप कदम करोगे, बोलो यहाँ भी लगा आगे चक्र पे सीधे हाथ से, ये बीच की उंगली है ठीक है, नहीं ये ये वाली ठीक है, इससे कर बोलो ओम नमो गणपतये नमः, ॐ गं गणपतये नमः, ॐ गं गणपतये नमः, अच्छा सरस्वती माँ ज्ञान की देवी और गणेश भगवान बुद्धि के देव हैं, तो सरस्वती का निवास कहाँ है कंठ में, तो यहाँ उनको प्रणाम करेंगे, ॐ गं सरस्वत्यै नमः, आप गुरु को प्रणाम करेंगे, गुरु जो आपको मैडम पढ़ाती है ना, उनको ये गुरु है, अगर ये आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आपके आपके पास शिक्षा कुछ नहीं आ पाएगी, सबसे बड़े गुरु होते हैं माता पिता, अब माता पिता की बुद्धि सीमित होती है तो फिर वो स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल के गुरु कौन है टीचर, तो यहाँ ऐसे हाथ करो बोलो ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, अब ये आपको नित्य करना है, स्कूल में आते हुए पढ़ने के लिए तो टीचर को प्रणाम करोगे और गम गणपत सरस्वती यहाँ कंठ में यहाँ करोगे और गुरु गुरु, तो ये अच्छे अच्छे संस्कार है, अच्छे अच्छे जो है ना अच्छे संस्कार आपके जीवन में आएंगे तो आप और महान बनोगे है ना, तो सभी चाहते ना बच्चे हम अच्छे बने, सभी माता पिता सभी बच्चों के चाहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बने, बुद्धिजीवी बने, बुद्धिमान बने, सभी चाहते ना, तो माता पिता के पैर छू के आते हैं आप लोग, कौन कौन छूता माता पिता के पैर, लड़कियां प्रणाम करती हैं और लड़के पैर छूते हैं, लड़कियां माता पिता को प्रणाम करती हैं, कैसे प्रणाम करोगे जो अभी आप बताया ना इस तरह से प्रणाम करते हैं और लड़के, तो जरूर आशीर्वाद माता पिता का लेके आना चाहिए और मैडम को प्रणाम करना चाहिए, और मैडम भी गुरु है उनके भी चरण छूना चाहिए, नमस्ते करते हैं ये जो चरण होते हैं ना पैर होते हैं ना है ना, तो ये पैरों में ये होता है एक ऊर्जा शक्ति प्रवाहित होती रहती है, जब आप उनके चरण छोगे तो वो शक्ति आपके अंदर आती है ठीक है, इसलिए आप बहुत महान बनोगे, चलो आपको एक खेल करवाते हैं,